कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। भाइयों आज की वीडियो में 10-35 DI है, किसान भाई हैं इसके जो कि इसे चला रहे हैं, तो इनसे जान लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में क्योंकि काफ़ी पसंदीदा मॉडल है किसानों का ये, तो थोड़ा सा जानते हैं किसान भाई से कि कब से इस ट्रैक्टर को ये चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो आपको हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार आप अपना परिचय कराएं उन्हें। नमस्ते जी, मेरा नाम शुभम चौधरी, ग्राम बहादुरपुर, तहसील मवाना, मेरठ। तो शुभम जी, अगर इस ट्रैक्टर की मैं बात करूं तो कौन सा मॉडल है, पहले तो मॉडल आप इसका बताएं। 2006 है। 2006 है, तो इसके ऊपर जैसा कि मैं पेंट वगैरह देख रहा हूँ, आपने कराया था? नहीं, पेंट नहीं, इसका ओरिजिनल पेंट, जेन्युइन पेंट है। जी। तो 2006 में जैसा कि आप बता रहे हैं 2006 मॉडल है, नया ही आपने खरीदा था या सेकंड हैंड लिया? सेकंड हैंड लाए थे। इसके पहले कौन सा ट्रैक्टर आप चला रहे थे? इससे जी फार्म ट्रैक 39 चलाया हमने इससे पहले। तो इसको लेने का विचार आपका कैसे बना? इससे इसका बस मैसी जी, हमारे गाँव में कुछ हमारे यहाँ मार्केट ज्यादा है, इस वजह से फिर ट्रैक्टर भी अच्छा लगा, हमने चलाया जी, ट्रैक्टर अच्छा है, उस वजह से आप इसकी तरफ गए। तो जैसे कि आप इससे पहले चला रहे थे फार्म ट्रैक का, उसमें इसमें अंतर क्या कुछ लगा आपको? इम्प्लीमेंट के ऊपर जैसे कि हम खेत में चलाते हैं, वहाँ पर अंतर क्या कुछ लगा उसमें? जी इसमें बहुत अंतर है, एक तो उसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा कम था, 39 का खर्चा कम था, पर इम्प्लीमेंट चलाने में ये मान लगा जी। यानी कि जैसे कि आप अगर कल्टीवेटर की मैं बात करूँ, टीलर वगैरह के ऊपर चलाते हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ अंतर लगा? क्योंकि मैसी की जो लिफ्ट है, लिफ्ट के मामले में काफी जाना जाता है, काफी पॉपुलर रहा है ये मॉडल, तो लिफ्ट कैसी है इसकी, सेंसिंग वगैरह कैसी करता है? इससे 5 horsepower ज्यादा भी कोई टीलर वाला हो उसके समथिंग, मतलब रिकवर जो है कर लेता है, सेंसिंग अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी सेंसिंग। जी। और अगर डीजल खपत की मैं बात करूं, तो डीजल खपत में आपको दोनों ही ट्रैक्टरों के अंदर अंतर क्या कुछ लगा? बस इसका वो अगर 2 liter लेगा तो 2 liter 100 gram ले लेगा, इतना ही है, ज्यादा कुछ ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कोई आपको दोनों ट्रैक्टरों के अंदर कोई कमी पेशी नजर आई? क्योंकि जैसे कि ट्रैक्टर को हम चलाते हैं काफी लंबा समय उसके साथ हो जाता है, तो कुछ कमियां भी नजर आती हैं हमें ट्रैक्टर के अंदर? बस इसमें तो कमी जी कुछ नहीं है, बस सिंगल क्लच है, क्योंकि क्लच जब तुम छोड़ोगे जब ये लिफ्ट उठाएगा, बस वो कमी पूरी हो जाती। यानी कि जो मॉडल जैसे कि पुराना है, तो पंप इसका जो है पीछे की तरफ ही है जो कि क्लच से ही ऑपरेट होता है, बाकी कोई ऐसी कोई शिकायत या कमी पेशी नजर नहीं आई। जी। अच्छा, और कुछ आपको अंतर लगा हो दोनों ही ट्रैक्टरों के अंदर? जैसे कि फार्म ट्रैक आप चला रहे थे, उसके बाद आप मैसी पर एक लिफ्ट, वो गियर बहुत अच्छे हैं, उसके तो गियर बहुत उल्टे सीधे थे, इसका तो बिल्कुल सॉफ्ट है, टॉप में ही हमारा मवाना मिल पड़ता है, एकदम ट्रॉली निकालना ही नहीं, टॉप डाले कोई दिक्कत नहीं आती। डीजल खपत लगभग क्या कर लेता होगा अगर एक नॉर्मल लोड की बात करें? ऐसा तो कुछ हमने नापा नहीं आज तक, पर हमें तो खर्चा अच्छा सही लगा, सही लगता है। जी, एक किसान के हिसाब से अगर छोटा किसान है तो उसके लिए बेस्ट है ट्रैक्टर, बेस्ट ट्रैक्टर, 30-35-40 कोई दिक्कत नहीं आती। जी। अच्छा, थोड़ा सा कीमत का भी आप अंदाजा करा दो, किस कीमत के अंदर आपने वो वाला खरीदा और ये किस कीमत के अंदर खरीदा? मुझे मैंने वो 180,000 rupees में वो खरीदा था। वो कौन सा मॉडल था आपका? वो था जी 9 model, वो आपने सेकंड हैंड लिया था? वो सेकंड हैंड ही लिया था, और उसमें 35-40,000 rupees मैंने लगाए थे, फिर भी उसने काम बढ़िया नहीं करा। अब ये इसे मैं लेके आया था 2077 में जी, जब से बाद अब इसके 12,000 rupees सर्विस वर्विस, अगला हिस्सा, मतलब बहुत चीजें ऐसी हुई थी, बैरिंग वैरिंग कटा जो चेंज आपने कराए थे, बाकी कोई और अलग से मेंटेनेंस नहीं है। जी सब जनों। तो भाइयों, किसान भाई हमारे साथ में जुड़े हुए थे जो कि 10-35 DI चला रहे हैं, मैसी का 2006 मॉडल है। तो आपको ट्रैक्टर के बारे में इन्होंने बताया कि किस किस यंत्र पर चलाया है, क्या कुछ इसका माइलेज वगैरह आता है, सारी चीज़ों के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें, ताकि वहां पर भी आपको इसी तरीके की नई नई वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।